दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है जॉन विक चैप्टर फर्स्ट, जो कि 2014 में आई थी। यह मूवी एक्शन लवर के लिए है। इसमें एक्शन का भरपूर डोज है। इस मूवी की कहानी एक ऐसे आदमी को बेस्ड है जिसे अपनी चीज़ों और अपने आसपास रहने वाले लोगों और अपनी यादों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। अगर किसी ने भी उन्हें हाथ लगाने या नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मानो उसकी खैर नहीं। तो अब आते हैं इस मूवी की मेन कहानी की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर यानी कि जॉन विक को काफ़ी बुरी हालत में कार से उतरता देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी बुरी तरह से धुलाई की हो। और तभी जॉन अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है और अपनी वाइफ को देखता है। अब जॉन के साथ ऐसा किसने और क्यों किया, यह हमें कहानी में आगे पता चलेगा। जिसके बाद कहानी यहाँ से जाती है सीधा पास्ट की तरफ, जहाँ पे हम जॉन को उसकी वाइफ के साथ देख पाते, जहाँ पे उसकी वाइफ को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया दिखाया जाता है, जो कि जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही होती है और वह अपनी जंग जिंदगी से हार चुकी होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी के फ्यूनरल में, जहाँ पे जॉन अपनी वाइफ की मौत के बाद काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिख रहा था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद में जब उसके सारे दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं तो वहीं पर जॉन से मिलने के लिए मार्कस आता है, जो किसी वक्त उसका बेस्ट दोस्त हुआ करता था। वे उससे कहता है कि हेलन के लिए उसे काफ़ी दुख है। हेलन यानी कि जॉन की वाइफ। मार्कस जॉन को कहता है कि जिंदगी में वैसे तो तुमने काफ़ी बड़े काम किए हैं, कई सारी मुसीबतों का सामना भी किया है, मगर इस बार तुम्हें अपनी ज़िंदगी की शुरुआत वापस स्टार्टिंग से करनी होगी। इस बातचीत के बाद जॉन अपने घर पहुँचता है, तभी जॉन विक को का डोरवेल बजता है और कोई उसके लिए कुरियर लेकर आया होता है। जॉन उस कुरियर को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है और तभी जॉन को पता चलता है कि ये कुरियर किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी हेलन ने मरने से पहले भेजा था। उसके सामने एक बड़ा सा डब्बा और एक लेटर होता है। जॉन जब इस लेटर को पढ़ता है तो इसमें लिखा होता है कि मुझे पता था कि तुम इस वक्त बहुत अकेले हो चुके हो। मैं इस बात को जानती थी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है और मैं ये भी जानती थी कि मेरे बिना तुम एकदम टूट जाओगे, इसलिए मैं अपनी कमी को पूरा करने के लिए तुम्हें एक नया साथी देखे जा रही हूँ, जो कि इस बॉक्स के अंदर रखा है, जो होता है एक प्यारा सा पपी। और इसमें यह भी लिखा होता है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम दोनों आगे चलकर एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखोगे। हेलन ने इस पपी का नाम रखा होता है डेजी। लेटर को पढ़कर जॉन काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता जाता है और हम जॉन और डेजी की अच्छी बॉन्डिंग देख पाते हैं। एक दिन जब जॉन अपनी चमचमाती कार को लेकर पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल स्टेशन गया होता है, तभी वहाँ पर दो गुंडे खड़े होते हैं और वो जॉन से आकर बदतमीजी करते हैं और कहते हैं कि हमें तेरी कार पसंद आई है, इसको बेचेगा। लेकिन जॉन बड़ी रूडली जवाब देता है और कहता है कि ये कार बेचने के लिए नहीं है, चल अपना काम कर। इस बंदे का नाम होता है लोसेफ। अपनी बेइज्जती देखकर लोसेफ जॉन पर अपना हाथ आजमाइश करना चाहता था, लेकिन तभी लोसेफ का फ्रेंड आ जाता है और इसको लड़ने के लिए रोक लेता है। सीन शिफ्ट होता है रात में, जब जॉन अपने घर में आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी उसे डेजी की भौंकने की आवाज़ आती है। और जैसे ही जॉन नीचे पहुंचता है तो पता चलता है कि सुबह वाले दोनों गुंडे उसकी गाड़ी चुराने के लिए उसके घर में आए हुए होते हैं। सबसे पहले तो वो जॉन को बेसबॉल के डंडे से काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं। हालांकि जॉन इस कंडीशन में नहीं होता कि उनका सामना कर पाए, और दोनों गुंडे जॉन की गाड़ी की चाबी लेकर जाते हैं, पर उससे पहले वे डेजी को भी जान से मार देते हैं। जॉन इस वक्त कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब जॉन को होश आता है तो वह अपने सामने डेजी की लाश पाता है। उसे देखकर जॉन फूट फूट कर रोने लगता है। सबसे पहले तो वह जाकर उसे ज़मीन में दबाता है और यहीं पर हम जॉन की आंखों में एक खतरनाक गुस्सा देख पाते हैं। लेकिन जॉन इस वक्त को जानता था कि ये गुंडे कार को चुरा कर तो ले गए हैं, मगर कार की खरीद फरोख में एक प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि जॉन एक शख्स को जानता था जिसका नाम था ओरेलियो, और वो उसके पास जाकर अपनी चोरी हुई गाड़ी की कहानी बताता है और साथ में यह भी बताता है कि जिन गुंडों ने मेरी गाड़ी को चुराया था उन्होंने मेरे कुत्ते डेजी को भी मार दिया। और साथ में हमें यह भी पता चलता है कि ओरेलियो जॉन को काफ़ी टाइम से जानता था और उसे यह भी पता था कि जॉन चीज़ क्या है। और वो जॉन को बताता है कि मेरे पास लोसेफ आया था और मुझे इस गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करने के लिए कहा था। ओरेलियो को पता था कि यह गाड़ी जॉन विक की है, इसलिए उसने ऐसा करने से मना कर दिया।
मगर लोसेफ एक रशियन माफिया का बेटा था, इसलिए वह उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। अब जॉन को अपना टारगेट का पता चल चुका था कि उसे क्या करना है, मगर इस वक्त उसे एक दूसरी गाड़ी की जरूरत थी, इसलिए वैसे ही दिखने वाली गाड़ी ओरेली उसे यूं ही दे देता और कहता है कि जब तक तुम्हारी गाड़ी तुम्हें नहीं मिल जाती तब तक तुम इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हो। जॉन ये गाड़ी लेकर यहाँ से चला जाता है। तभी ओरेली के पास में विगो का कॉल आता है, जो कि रशियन माफिया का हेड था और साथ ही लोसेफ का फादर भी। वो उससे कहता है कि तुमने मेरे बेटे पर हाथ कैसे उठाया। ओरेली बताता है कि जिसकी गाड़ी तेरे बेटे ने चुराई है वो कोई और नहीं बल्कि जॉन विक है। ये सुनकर विगो के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो फ़ोन वहीं पे काट देता है, जिसके बाद में विगो नीचे आकर अपने बेटे को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुमने किसकी गाड़ी चुराई है। जवाब में लोसेफ कहता है कि मैंने किसी बंदे की गाड़ी तो चुराई है। तभी विगो उसके पेट में खींच के मुँह मारता है और कहता है कि तुमने जिसकी गाड़ी चुराई है पता है वो कौन है। लोसेफ को यह बात पसंद नहीं आती और वह कहता है कि गाड़ी तो चुराई है, कौन है ये बंदा, जॉन विक मेरा क्या उखाड़ लेगा। तभी विगो उसे बताता है कि आम लोगों को मारने के लिए कातिल काम में आते हैं और कातिलों को जो मारता है उसे बूगीमैन कहा जाता है, और बूगीमैन का जो शिकार करे उसे कहते हैं जॉन विक, जो कि तबाही का दूसरा नाम है, और तूने उसी की गाड़ी चुराई है। उसने पता नहीं दुनिया के कितने ही बूगीमैनों का सफाया किया है। वो काफ़ी टाइम पहले तो मेरे लिए काम किया करता था और उसे किसी को मारने के लिए किसी बड़े हथियार की ज़रूरत नहीं होती थी, वह सिर्फ पेंसिल से ही मार दिया करता था। एक वक्त था जब वो मेरे लिए काम कर रहा था, मगर उसे किसी एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम था हेलन, और हेलन ने मरते वक्त उसे एक आखिरी निशानी दी थी जिसे तूने मार दिया और अब वो तेरे पीछे ज़रूर आएगा। लेकिन विगो अब क्योंकि अंडरवर्ल्ड का डॉन था तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसके बाद हम जॉन को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने घर के फर्श को तोड़ रहा होता है, और उसके बाद में वह वहाँ से एक सूटकेस निकालता है जिसके अंदर काफ़ी यूनिक गन्स और कुछ गोल्ड कॉइन्स होते हैं। हालांकि इसी वक्त विगो का कॉल जॉन को आता है और वो बताता है कि तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच में जो हुआ उसके लिए एक बच्चे की गलती समझकर माफ़ कर दो। लेकिन जॉन के सर पर खून सवार होता है, इसलिए वह विगो को बिना कुछ जवाब दिए फ़ोन को काट देता है। इस बात से विगो यह समझ आता है कि जॉन मेरे बेटे की जान के पीछे ज़रूर आएगा, इसलिए विगो उसको ख़त्म करवाने के लिए उसके घर पर गुंडे भेजता है। मगर जॉन खुद ही इतना बड़ा किलर था कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। फिर तो वो एक एक करके कई लोगों की लाशें बिछा देता है और फिर अपने कुछ आदमियों को फ़ोन करके उनकी लाशों को ठिकाने लगवा देता है, जिसके बदले में वो उन्हें सोने का सिक्का देता है। अगले दिन विगो मार्कस के पास पहुंचता है, क्योंकि मार्कस भी जॉन विक की तरह बूगीमैन किलर था। लेकिन मार्कस इस काम को करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी समस्या तुम ही संभालो। अगले दिन जॉन एक होटल में पहुंचता है जिसका नाम होता है कॉन्टिनेंटल, और इस होटल की सबसे खास बात यह थी कि इसमें दुनिया के सबसे बड़ा माफिया मौजूद था। अगर दोस्त भी एक छत के नीचे थे तो दुश्मन भी एक ही छत के नीचे थे। लेकिन सबसे गेम चेंजिंग बात यह थी कि कोई भी इस कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर गोली नहीं चला सकता था, क्योंकि ये बात इस होटल के रूल के खिलाफ थी। खून खराबा, गोलीबारी, लूटमार और बदले जैसी चीज़ों का इस होटल में कोई जगह नहीं थी, और यही रीज़न था कि अपने काम को पूरा करने के लिए जॉन यहाँ पर एक रूम बुक कर देता है। वहीं पर एक लड़की उसे घूरते हुए आगे जाती है। इस लड़की का नाम होता है परकेंस। इस होटल में जॉन की मुलाकात विंस्टन से होती है, जो कि इस होटल का मालिक था। विंस्टन उसे यहाँ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे यह बात पता थी कि जॉन ने आजकल कत्लेआम करना छोड़ दिया है, मगर वो यहाँ पे आया है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन जॉन उसे बताता है कि इस बार ये मेरी आपसे दुश्मनी है, इससे खुद और खुद वही निपटेगा। हालांकि विंस्टन भी जॉन को पुराने टाइम से जानता था, इसलिए वो लोसेफ का बता देता है और कहता है कि लोसेफ तुम्हें टाउनबर्ग नाम के होटल में मिलेगा। इसके बाद जॉन अपनी पूरी तैयारी करके अपने सारे गन्स लेकर सूट बूट पहनकर सीधा टाउनबर्ग होटल पहुँच जाता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद में वह 5-7 को तो यूं ही ठुकाई कर देता है। उसे देखकर काफ़ी सारे लोग गन्स लेकर उस पर हमला कर देते हैं, मगर जॉन की फाइटिंग स्किल इस कदर थी कि वह अपने सामने आने वाले सभी लोगों को पेलता जाता है। और अब हम देखते ही देखते यहाँ पे लाशों के ढेर लग जाते हैं, मगर इसी गोलीबारी के बीच में लोसे वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है। जब रात को जॉन अपने घर पे आता है तो उसे मारने के लिए परकिंस वहाँ पे आती है और उसे ख़त्म करने की कोशिश करती है,
क्योंकि विगो ने जॉन की सुपारी परकिंस को दी होती है, लेकिन वो भी जॉन को मारने में असमर्थ होती है। उसके बाद में जॉन उसे गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि ऐसी कोई बात बताओ जिससे मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो परकिंस उसे बताती है विगो ने अपना सारा पैसा एक चर्च में सुपा रखा है और वो चर्च यहाँ से 18 मील की दूरी पर। ये सुनते ही जॉन विक अपनी पूरी तैयारी करके चर्च में जाकर पहुँच जाता है। वहाँ पर जाकर वह लोगों को मारने लगता है और जितना भी पैसा वहाँ पर विगो का पड़ा होता है उसमें आग लगाकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि जॉन को इस बारे में पता था कि विगो अपने पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर उसके पैसों में आग लगेगी तो वह यहाँ पर ज़रूर आएगा, और सेम टू सेम ऐसा ही होता है। विगो अपने पैसे की देख रेख करने यहाँ पहुँच ही जाता है। जॉन मौका पाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर काफ़ी गोलीबारी होने के बावजूद वह उसे मारने में असमर्थ होता है। लेकिन तभी एक कार की टक्कर से जॉन को बेहोश हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। आँख खुलने पर जॉन देख पाता है कि उसके सामने विगो के लोग खड़े हैं और उन्होंने उसे बंदी बना लिया है। विगो यहाँ जॉन से कहता है कि तुम में आज भी पहले जैसी बात है, वही तेज़ गुस्सा, लड़ने की शानदार स्किल और आँखों में मौत का मंजर, मगर आज तुमने अपनी ज़िंदगी सबसे बड़ी गलती की है। वो गलती है मेरे पैसे जला देना। हालांकि पैसे जल गया था, मुझे इसका कोई गम नहीं है, मगर उसके अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जिसकी मदद से मैं अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा माफिया बन सकता था, मगर अब तो तूने सभी चीज़ों को जला कर राख कर दिया है। मगर मैं इन सारी चीज़ों को भूलने को तैयार हूँ अगर तुम मेरे बेटे को भूलने को तैयार हो जाते हो। मगर जॉन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि उन सब चीज़ों को भूलना मेरे लिए आसान नहीं है। और इस बात पर विगो को गुस्सा आ जाता है और वह अपने लोगों को कहकर जॉन को मरवाने की कोशिश करता है, मगर तभी हम देखते हैं कि विगो के सभी लोगों पर कोई स्नाइपिंग कर देता है और वो शख्स कोई और नहीं होता बल्कि जॉन का दोस्त मार्कस होता है। यहाँ पर विगो के सारे आदमियों को मारने के बाद जॉन विगो का पीछा करता है और विगो अपनी जान को खतरे में देखकर अपने बेटे की सारी इन्फॉर्मेशन जॉन को दे देता है, क्योंकि विगो को लग रहा था कि जॉन लोसे को मारने के लिए जाएगा तो वहाँ पर ऑलरेडी कड़ी सिक्योरिटी मौजूद होगी जो कि जॉन को वहीं पर देखते ही ख़त्म कर देगी। मगर उसका ये सोचना बिल्कुल गलत था, क्योंकि वही अपनी धमाकेदार एंट्री करके जॉन विग वहाँ के लोगों को मौत के घात उतार देता है और उसके बाद में लोसेफ को भी ऊपर का रास्ता दिखा देता है, और ये बात जल्दी ही विगो तक पहुँच जाती है। विगो को इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए सबसे पहले जाकर तो वह मार्कस को बेल देता है और फिर जॉन को कॉल लगा कर ये बताता है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि मैंने मार्कस का खून कर दिया है, उसकी जान ले ली है, उसकी लाश तुम्हारे ही घर पर पड़ी है, चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो। जैसे ही जॉन अपने घर जाता है तो उसे मार्कस की लाश मिलती है। इस पर जॉन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब मार्कस को जान से मार देने के बाद में विगो जानता था कि जॉन उसका पीछा ज़रूर करेगा, इसलिए वह इस शहर को छोड़कर भागने की कोशिश करता है। लेकिन ये सारी बातें विंस्टन से कांच चुकी थी, क्योंकि वो तो खुद ही कॉन्टिनेंटल का हेड था। उसके इतने सारे सूत्रधार थे कि कहीं न कहीं से खबर दे ही देते थे। अब विंस्टन, जो कि जॉन विक का फ्रेंड होता है, वो जॉन को विगो की लोकेशन बता देता है। फिर होती है इस मूवी की एक और शानदार फाइट, जहां पर जॉन विगो को बुरी तरह से मारता है। विगो उससे बचने की काफ़ी कोशिश करता है, जॉन के सामने उसकी सारी मेहनत बेकार होती नज़र आती है और फाइनली जॉन उसे भी जान से मार डालता है। मगर इस लड़ाई में वह काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका होता है, इसलिए वह अपने जख्मों को भरने के लिए, गुंडों से छिपने के लिए पास ही में एक शेल्टर में चला जाता है। वहीं पर कुछ इंजेक्शन पड़े होते हैं, वह इनका यूज़ कर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। मगर तभी जॉन की नज़र पास ही के एक डॉगी पर पड़ती है जो कि एक पिटबुल होता है, और जॉन उसे वहाँ से लेकर बाहर निकल जाता है। इसी के साथ में इस मूवी के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग यहीं पर होती है। हम जल्दी ही इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे और आशा करते हैं इस मूवी की जो एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी।